नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी नाउडेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल फैंटेसी क्रिकेट इंडिया में एक वायरल की तरह फैल रहा है। ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी ऐप्स या फिर ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको फैंटेसी क्रिकेट खिलवाती हैं। इन्हीं सब में से सबसे पॉपुलर वेबसाइट है ड्रीम इलेवन। और जब से महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम इलेवन की एड में आने लगे हैं, तब से लोगों में ड्रीम इलेवन का क्रेज और ज्यादा बढ़ गया है। आप ड्रीम इलेवन की वेबसाइट dreamelevn.com पे जाकर या ड्रीम इलेवन की ऐप डाउनलोड कर फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये फैंटेसी क्रिकेट है क्या, क्या ये इंडिया में लीगल है और इसे कैसे खेला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक गेम है जिसमें आपको वर्चुअली एक टीम बनानी होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैच होने वाला है तो आपको दोनों टीमों में से बेस्ट 11 प्लेयर अपनी टीम में लेने होते हैं। उसके बाद आपको कोई लीग ज्वाइन करनी होती है। अब जैसे आपके सेलेक्ट किए हुए प्लेयर रियल मैच में खेलते हैं, उसी हिसाब से आपकी सेलेक्ट की हुई टीम को भी पॉइंट्स मिलते हैं। लास्ट में जिसकी टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं वो विनर होता है और बाकी लोगों को उनकी रैंक के हिसाब से कैश मिलता है। तो ये तो बात हुई कि फैंटेसी क्रिकेट होता क्या है और इसे कैसे खेलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ऐसे गेम जो कि पूरी तरह से लक पे डिपेंड करते हैं, वो इंडिया में इलीगल हैं। मतलब आप उन्हें नहीं खेल सकते, वो बैटिंग या सट्टेबाजी की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि बहुत से लोग क्रिकेट में बैटिंग और सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन ऐसे गेम जिसमें आप अपने दिमाग का यूज करते हैं और अपने स्किल का यूज करके उसे खेलते हैं, वो पूरी तरह से लीगल है। मतलब आप उन्हें बिना किसी डर के खेल सकते हैं। और ये जो फैंटेसी क्रिकेट है, ये गेम ऑफ स्किल्स है जिसमें आप अपने स्किल्स या अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से टीम बनाओगे, फिर आपकी टीम कैसे खेलती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट और लॉ के हिसाब से इंडिया में जो फैंटेसी क्रिकेट है वो लीगल है और बहुत से लोग इसे खेल भी रहे हैं। दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट वाले बोलते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, यानी कि आप अपनी स्किल और क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके एक टीम बनाइए और अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो आप जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये सच में स्किल्स पर डिपेंड करता है? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरे मानने में तो ये गेम स्किल से ज्यादा लक पे डिपेंड करता है। अब मान लो कोई प्लेयर है जो कि किसी पर्टिकुलर ग्राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब आपने अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज, पिच कंडीशन, प्लेयर की अच्छी फॉर्म और उसके पिछले रिकॉर्ड को देखकर उसको अपनी टीम में कैप्टन बना दिया। अब मैच के दौरान वो प्लेयर 10-12 रन बना के रन आउट हो जाता है। वो अच्छा खेल रहा था लेकिन वो रन आउट हो गया। अब यहाँ पर आपकी स्किल्स और नॉलेज काम नहीं आई। अब किसी और बंदे ने किसी नए प्लेयर को अपनी टीम में कैप्टन बना रखा था और उस दिन वो चल जाता है और उसकी टीम जीत जाती है। अब यहाँ पर ये उसकी स्किल्स थी या उसका लक? खैर, ये तो सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लक मानते हैं या स्किल्स। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आप कितना जीतते हैं और आपको कितना पैसा मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रीम इलेवन वाले एक दिन में आपसे कितना पैसा कमाते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हम ड्रीम इलेवन की ऐप पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आज शाम को मैच है उसको खोलते हैं। तो दोस्तों, आप ड्रीम इलेवन में पहली लीग देखते हैं जिसमें टोटल विनिंग अमाउंट है 3 करोड़ रुपए। अब इसमें जो एंट्री फीस है वो है 44 रुपए और इसमें 8,99,999 टीम्स हिस्सा ले सकती हैं। अब अगर हम 8,99,999 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो अमाउंट आता है वो है 3,95,99,956 रुपये। अब इसमें से 3 करोड़ तो ड्रीम इलेवन विनिंग अमाउंट के तौर पर लोगों में बांट देगी, बाकी का 95,99,956 रुपये उनका प्रॉफिट होगा जो कि खाली एक लीग से होगा। इसी तरह से न जाने कितनी लीग आपको ड्रीम इलेवन में देखने को मिलेंगी जिसमें से ड्रीम इलेवन वाले सब में अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ड्रीम इलेवन वाले आखिर कैसे कमाते हैं और उसमें से कितना आपको देते हैं और कितना अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, ये ड्रीम इलेवन हो गया, ये फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ये एक बिजनेस है जिससे लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। और वो कहाँ से कमा रहे हैं? आप लोगों से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप ड्रीम इलेवन या फैंटेसी क्रिकेट खेलिए, और अगर आपका लक खराब है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे दूर ही रहिए और आप जो पैसा यहाँ लगा रहे हैं वो किसी बिजनेस में लगाइए। क्या पता कल को आप भी इनकी तरह अच्छा खासा पैसा कमा सकें।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।